हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं न्यू रेसिपी रशियन कबाब की रेसिपी लेके आ रही हूँ। आप सोच नहीं सकते, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यम्मी, फुल ऑफ हेल्दी है वेजिटेबल्स। तो चलिए देखते हैं कैसी बनती है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक पैन रख दिया, पैन हीट हो जाए तो यहाँ पे मैं वन स्पून ही डालना है ऑयल ऐड करेंगे। साथ ही में मैंने यहाँ पे वन स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, जिंजर गार्लिक का। तो हम जल्दी जल्दी बनाकर तैयार कर लेंगे। जैसे कि ये इफ्तारी स्पेशल है तो हम ये फटाफट बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं प्री रमदान के लिए। तो ये आप फुल इसे कंटिन्यूसली देखें तो आपको वो स्टेप बाय स्टेप समझ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 300 ग्राम्स चिकन लिया था, विद बोन लिया है, आप विदाउट बोन भी ले सकते हैं। और इसे हमें फ्राई कर लेना है जस्ट 1-2 मिनट के लिए। और फिर इसे फ्राई करने के बाद मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। सो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 स्पून, और साथ ही मैं चिल्ली फ्लिक्स ऐड कर रही हूँ 1/2 स्पून 1 स्पून के करीब, कुछ जस्ट फ्लेवर के लिए, चिकन में अच्छा फ्लेवर आ जाए उस लिए। फिर उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करेंगे इसमें हम अभी। सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके हमें थोड़े से 1-2 मिनट के लिए पका लेना है कि अच्छे से हमारा चिकन में ये सारे स्पाइसेस भी जाए और अच्छे से हल्का चिकन है ना टेंडर हो जाए, थोड़ा गलने के इसमें फॉर्म में आए। तो इसे मैं अभी कवर कर लूँगी और इसे 1-2 मिनट के लिए पका लूँगी। यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं, अच्छे से चिकन को मैंने थोड़ा पका लिया है स्टीम में। अब मैं इसमें वाटर ऐड करूँगी, पानी। तो यहाँ पे मैं 1.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ, 1.5 कप, कि चिकन अच्छे से गल जाए। और ये प्रोसेस आप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हो। प्रेशर कुकर में हमें 1-2 विसल अच्छे से ले लेना है, चिकन अच्छे से गल जाएगा। तो यहाँ पे मैं वाटर ऐड करके अच्छे से ढक दी, उसे अच्छे से हमें बॉईल कर लेना है एटलीस्ट 5-10 मिनट, 10 मिनट के लिए बॉईल करना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं 10 मिनट हो गए हैं अच्छे से और चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसको लीड को ओपन करके और 2 मिनट के लिए पकाऊंगी और चिकन को मैं बताती हूँ आपको किस तरह से पूरा गल चुका है। इसे मैं लीड ओपन करके अच्छे से 2 मिनट के लिए और पका रही हूँ और चिकन देख सकते हैं आप अच्छे से इसमें ये गल चुका है। तो ये पक चुका है हमारा चिकन। अभी हम चिकन को है ना एक प्लेट में निकाल लेंगे और ये जो पानी स्टॉक जो है चिकन स्टॉक, इसे हमें फेंकना नहीं है, ये हमारी आगे की रेसिपी में काम आएगा। तो इसे हमें निकाल कर रख लेना है। तो चिकन मैं एक बर्तन में निकाल ले रही हूँ और स्टॉक भी मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी या एक बाउल में निकाल लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया है चिकन को हमें अच्छे से शेडर चिकन तरह से पीसेस करके रख लेना है। अब मैं यहाँ पे वही पैन ले रही हूँ, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है, साथ ही में 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। साथ ही में ये सारी वेजेस मैं ऐड करूँगी। ये मैंने फ्रेंच बीन्स लिया हुआ है, कैप्सिकम लिया हुआ है और कैरेट लिया हुआ है, गाजर और शिमला मिर्ची और ये बीन्स लिया हुआ है। ये 3 वेजिटेबल्स मैंने लिया है। आप इसमें जो भी आपकी पसंदीदा है, जो आपको पसंद है वो ऐड कर सकते हो। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मैंने बारीक सा चॉप्ड किया हुआ है कि ये हमारे मुंह में आए ना, तो इसे हमें फाइनली चॉप्ड करना। अब मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैदे का फ्लॉर डाल रही हूँ, मैदे का आटा, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे वेजीज के साथ। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर ली हूँ मैदे के आटे को एंड वेजीज को, सारे फ्राई हो चुके हैं 1-2 मिनट के लिए। फिर अभी इसी के साथ मैंने जो स्टॉक चिकन स्टॉक का बचाया हुआ था वो ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास चिकन स्टॉक नहीं बचा हो, सारा गल चुका हो, पानी नहीं बचा हो, सारा चिकन में गल गया हो, तो हम इसके बदले है ना मिल्क ऐड कर सकते हैं। आप इसमें 1/2 कप मिल्क ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैं हल्का सा पानी भी ऐड कर रही हूँ, वाटर कुछ जस्ट 1/4 कप पानी ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब इसमें हम सारे थोड़े पाउडर मसाले ऐड करेंगे। मैं इसमें पाउडर मसाले ऐड कर रही हूँ, 1 स्पून कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 स्पून रेड चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे, और इसी के साथ मैं 1/4 स्पून जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1/2 स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जस्ट सेकंड के लिए, और हमने जो अभी शेडर चिकन करके रखा हुआ था जो पकाकर, वो ऐड करेंगे। ये 1 कप बनकर रेडी हुआ था हमारा जो चिकन, इसको अच्छे से मैंने शेड किया था, अच्छे से हमें
और पीसेस में। और इसी के साथ मैंने 2 बॉयल आलू ऐड किया हुआ है, अच्छे से मैंने मैश किया हुआ है आलू को, वो ऐड कर दी हूँ। इस सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और इसी के साथ मैंने 1 ऑनियन लिया था, उसको अच्छा सा बारीक चॉप्ड ऑमलेट कट किया हुआ था, वो भी इसमें अभी मैं ऐड करूँगी। पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारा कुछ, और फिर साथ में सॉल्ट टू टेस्ट भी ऐड करेंगे 1/2 स्पून। यहाँ पे देखिए 1 कप मैं ऑनियन भी ऐड कर रही हूँ साथ ही में। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिल्ली ऐड नहीं किया हुआ है, और यहाँ पे क्योंकि मैंने इसमें है ना रेड चिल्ली पाउडर ऐड किया हुआ था। अगर आप और स्पाइसेस खाते हो तो आप ग्रीन चिल्ली भी ऐड कर सकते हो। तो ये सब कुछ को हमें अच्छे से मिक्स करके ऐड कर लेना है। फिर इसे अच्छे से ऐड करने के बाद एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, एक बाउल में निकाल कर इसे हमें रूम टेम्परेचर में हल्का ठंडा करना है कि हम इसको हाथ से ना अच्छे से इसका जो शेप है और जो रशियन कबाब बनाकर तैयार कर सके। तो यहाँ पे मिक्सचर रेडी है, मैं एक बाउल में निकाल कर इसको हल्का ठंडा कर लूँगी। सो देखिए यहाँ पे हमारा मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं रशियन कबाब को। तो यहाँ पे देखिए मैंने सेवैया ली चुकी हूँ, और इसे अच्छे से हमें थोड़ा सा क्रश कर इसे बारीक सा और इसे प्लेट में ले लेना है। और यहाँ पे मैंने 2 एग लिया था, उसको अच्छे से मैंने बीट करके रखा हुआ है। और यहाँ पे ये मिक्सचर है जो हमारी वेजीज और चिकन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे हम अपने हाथों में, और इसे मैं ओवल शेप ले दे रही हूँ। ओवल शेप में ही रशियन कबाब बहुत अच्छा लगता है, तो आप कोई भी शेप दे सकते हो, राउंड या लंबा ऐसे दे सकते हो। तो इसे हमें फिर एग में डिप करना है, और फिर सेवई इसमें लगा कर इसे प्लेट में रखना है। इसी तरह से मैं सारे जो कबाब है बना कर तैयार कर लूँगी। तो इसे अच्छे से शेप दूँगी, शेप देने के बाद हमें इसमें एग में डिप कर लेना है, फिर इसमें सेवई में लगाकर कवर कर इसे हमें साइड में प्लेट में रख लेना है। इस तरीके से मैं सारे रेडी, सारे कबाब बनकर हमारे तैयार है। इस टाइम पे आप इसको स्टोर कर सकते हो अपने जिप लॉक बैग में, आप इसे ऐड स्टोर करके रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो अपने रमज़ान के लिए। इफ्तारी टाइम हो तो निकाले और इसे फ्राई करें। तो यहाँ पे मैंने पैन हीट करके इसमें ऑयल ऐड किया था, ऑयल भी हीट हो गया था, तो मैंने सारे कबाब 1 by 1 ऐड करके इसे अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। तो एक तरफ से अच्छे से गोल्डन हो चुका है, क्योंकि हमारा जो अंदर का जो मिक्सचर है वो अच्छे से हमने बना लिया था, पका लिया था, तो इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओनली हमें इस सेवई को अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी कर लेना है, और हमारा कबाब बनकर तैयार है। तो बहुत ही इजी मेथड है, आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जो न्यू हैं वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जाकर बेल बटन भी ऑन करें कि जो भी न्यू वीडियो आए तो आपको फर्स्ट मिले, और लाइक भी करना बनता है। सो बहुत मेहनत लगती है, आप इसे ज़रूर इफ्तारी में है ना बनाकर खाएं, फैमिली को खिलाएं। बहुत ही इजी और बहुत ही हेल्दी टेस्टी रेसिपी है, और बहुत ही स्पेशल है। देखिए बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची और बहुत ही टेस्टी, मुंह में जाते हुए अंदर सॉफ्ट है बाहर क्रिस्पी टाइप है। तो ये बनकर तैयार है, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर गाइज़।